नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। आज 15 सितंबर 2018 भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी शनिवार को 6:45 तक रहेगी। अनिवाधा नक्षत्र रात्रि 2:50 तक रात्रि जिसका कुंभ योग रात्रि 10:53 तक बांधने शुक्ति योग तेतिल करण दिन में 2:45 तक भोपाल में सूर्योदय 6:11 सूर्यास्त 6:21। आज सूर्य शक्ति है, उत्तरार्थियों को काशी में लोलार कुंड में स्नान करने से पुत्र प्राप्ति की योग करते हैं। ग्रहों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, सूर्य और बुध सिंह राशि में, गुरु और शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, धनु राशि में शनि, मंगल और केतु मकर राशि में स्थित। आज का भविष्य बताते हैं। मेष राशि, चंद्रमा अष्टम होने से मित्रों से वैचारिक मतभेद नहीं हो इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है तो अपने संतान की चिंताएं हो सकती हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए तो राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि, इस राशि में आज के दिन पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे कि आसपास के परिजनों को बुरा लगे। ऐसे वाणी संयम रखना चाहिए, संयत वाणी से आज का दिन शुभ रहेगा। धार्मिक यात्रा भी संभव है, भ्रमण करना लाभप्रद सिद्ध होगा। मिथुन राशि, अपनी वाणी से अनायास विवाद संभव है। शीत विकार का ध्यान रखें, जुकाम आदि हो सकता है। पराक्रम फिर भी बढ़ेगा क्योंकि हर बार विनोद प्रियता के साथ खेलने की आपकी आदत है। गणेश जी की आराधना करना इस कार्य के लिए शुभ। कर्क राशि, अपने मन में खिन्नता रह सकती है। आपसी आपके मित्रों या परिजनों में मन में खिन्नता रहेगी, जिसके लिए आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए और सफेद अनाज का दान मंदिर में देना चाहिए। राज कार्यों में सफलता मिलेगी और स्थायी लाभ के अवसर मिलेंगे। सिंह राशि, आज अपने कार्य में अधिक शीघ्रता नहीं करें, अन्यथा उस कार्य को दोबारा करना पड़ सकता है। वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें। कुछ अपने भवन या मकान के लिए व्यय की योजना भी बनेगी जो मूत्र रूप ले सकेगी। इसके लिए मंगल का दान जरूर करें, लाल फल या लाल अन्न का दान करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि आज के लिए अपने पराक्रम की चिंता बनी रहेगी। अपने पराक्रम को सुव्यवस्थित रखने की आपको ध्यान रखना चाहिए। अनेक प्रकार के विषयों विवादों से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। अप्रत्यक्ष शत्रु अधिक रहेंगे। संतान के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। गणेश जी को यदि दुर्वा चढ़ाएंगे तो आज का दिन आपको शुभ रहेगा। तुला राशि, अपने कार्यों में व्यवधान आना संभव है। किसी बात को लेकर के यदि तनाव व्याप्त तो हो तो उसमें शांति रखें। धन एवं परिवार की चिंता रहेगी, खर्च भी होगा। समाज में मान सम्मान की भी पूर्ववत रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आपको जरूरी है। इष्ट देवता को सफेद पुष्प चढ़ाने से आज का दिन आपको शुभ फलदायक रहेगा। वृश्चिक राशि, धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कोई ऐसा कार्य का निर्णय लेंगे जिस कार्य के निर्णय से आपकी आप मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और स्थायित्व प्राप्त होगा। यदि लेखन कार्य करने का आपको शौक है तो शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लाल पुष्प और मिठाई सूर्य देवता के नाम की मंदिर में अर्पण। धनु राशि, आपको लाभ के अच्छे योग हैं। यदि आवश्यक समझें तो इसका दिन का सही ढंग से उपयोग करें। यदि अस्वस्थ हैं
तो आज की चिकित्सा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। इस कारण से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए भी दिन शुभ है। परिवार में एकरूपता रहेगी, आपकी बात को ही सर्वोपरि और महत्वपूर्ण माना जाएगा। गुरु के सम्मान करने से आज का दिन और शुभ फल दे सकता है। मकर राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बना हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। कोई गलत निर्णय के कारण से लाभ में कमी रह सकती है, इसलिए निर्णय करने में थोड़ा ध्यान दें और विशेष रूप से माता जी के दरबार में घी का दीपक लगाने पर कोई गलत निर्णय के अवसर नहीं। कुंभ राशि, भ्रमण की रूपरेखा बनेगी, कोई धार्मिक भ्रमण कर सकते हैं। किसी कार्य में जो कि कई दिनों से लंबित है उसके सुधरने और उसमें सफलता मिलने के योग। अपने परिवार में शांति रहेगी, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।